है कि जब राजा बलि प्रिय भक्तों जी सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरित मानस अरण्य कांड। भगवान राम लक्ष्मण जी अत्रिमुनि के आश्रम में पहुंच गए। इंद्र उसके बड़े अत्रिमुनि के आश्रम में बामन जी छोटे कहलाए और राजा बलि से पृथ्वी ले इंद्र का कार्य किया। इससे प्रिय अनुज कहा सत्य संत गति कहने का भाव यह है कि सत्य पुरुषों को आप ही की गति देते हैं। त्वान्द्र मूल ये नुरा भाजंत हीन मत सरा पतंत नो भावड़े विकृत बेंच सकुले विविध वासना सदा भजंत मुक्ति मुदा निराशा इंद्रियों का प्रियते। प्रिय भक्तों जय सीताराम जी की। जो मनुष्य अत्रिमुनि के आश्रम में पहुंच गए राम की कथा वहां चल रही अरण्य कांड। त्याग कर भजते हैं वे कुतरक की लहरों से संयुक्त संसार सागर में नहीं पतित होते अर्थात फिर उसका जन्म नहीं होता। विभक्त वासी अर्थात एकांत से भी मुक्ति निमित्त प्रसन्न होकर आपकी सदा सेवा करते हैं। सो इंद्रियों के रसों को त्याग कर त्याग आपकी निज गति प्राप्त होती है। जहाँ विभक्त वासना और भंजित मुक्ति तंद पाठ है उसका ये अर्थ करना कि सब विषाक्त वासना छोड़ मुक्ति देने वाले आपका भजन करते हैं। तत्मेघ देवत भूत प्रभु नर हरि मिश्रम विवम जगदीश गुरु शासन तृतीय मेव केवलम भाजम भाव बल्लभ कुयोग्य नाशुदर्लभरम स्वाभक्त कल्प पादव सम सुसेह मनवारम। आप एक ही अद्भुत हो प्रभु हो और निर्हरी उद्यम रहित ईश्वर सबके प्रेरक प्रभु समर्थ अव्यापक जगत के गुरु और ससावत निरंतर और तृतीय अर्थात जगत अर्थ स्वप्न सुपरी अवस्थाओं से मित्र भिन्न केवल एक हो आपके भाव प्यारा है और आप योगियों को दुर्लभ हैं। मैं आपको भजता हूँ आप अपने भक्तों को कल ब्रज को और सुंदर सेवा करने के योग हो आपको नमस्कार करता हूँ। अनुपम रूप भूपति नेता हिमतम प्रसिद्ध में नमामि ते पदवाज भक्ति देह में पंडित ये स्वात्ते पदम बाजंत नाथ संशय स्वादित भक्ति संयुक्तम। आप जानकी जी के पति हो आपका अनुभूप राजा रूप है प्रसन्न हुई मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने चरण कमल की भक्ति मुझे दीजिए। जो मनुष्य इस स्रोत को आदर से पढ़ता है वे आपकी भक्ति के सहित आपके पद को निसंदेह प्राप्त होता है। दो नंबर बोला क्या? अब आ दो। विनती कर मुनि नाय से लामा चरण से। भक्तों अरण्य कांड दोहा क्रमांक 3 से 3 के आगे श्रवण कर रहे हैं आप। विनती कर हाथ जोड़ सिर नवाया फिर मुनि राज कहने लगे हे नाथ आपके